वेलकम, मैं अमर सर, अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। IBPS PO के 23 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में गजब के क्वेश्चंस आए थे। अरिथमेटिक क्वेश्चंस के 15 में 14 क्वेश्चंस मेरे पास रहे हैं, उनमें से 10 मैंने सॉल्व किया था। बाकी 4 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देता हूँ। मज़ेदार है, शानदार है, आपको मज़ा आएगा दूसरे शिफ्ट में, और दूसरे एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए, द टाइम टेकन बाई कार ए टू कवर 3x किलोमीटर इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाई कार बी टू कवर 2x किलोमीटर। सुनिए सुनिए सुनिए, कार ए 3x किलोमीटर जाती है और कार बी 2x किलोमीटर जाती है, लेकिन टाइम सेम लगता है। टाइम सेम होने का माने क्या हुआ? टाइम अगर सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो है। उसके बाद आगे, एंड द स्पीड ऑफ कार ए इज 15 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ बी। हम लोग टाइम कॉन्स्टेंट है ना, टाइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब टाइम कॉन्स्टेंट है तो कार ए और कार बी की बात है। सबसे पहले जहां तक डिस्टेंस का सवाल है, डिस्टेंस इसका रेशियो है 3x किलोमीटर। देखिए 3x किलोमीटर इज टू 2x किलोमीटर, लेकिन क्यों रेशियो, ये रेशियो और यही स्पीड का रेशियो हुआ ना, 3:2। अगर कार ए का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है तो कार बी का 2 किलोमीटर पर आवर है, डिफरेंस 15 है तो डिफरेंस 1 है। डिफरेंस 1 मीन्स 15 किलोमीटर पर आवर, 2 मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर कार बी का स्पीड, और ये 45 किलोमीटर पर आवर कार ए का स्पीड। पूछा क्या है ये बताइए, इफ द स्पीड ऑफ कार बी इज इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर ये क्वेश्चन कहता है कि बी के केस में अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर जाए प्लस 4 से, यानी कि 34 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो 170 किलोमीटर को तय करने में कितना टाइम लगेगा? 170 किलोमीटर बाय 34 किलोमीटर पर आवर यानी कि 5 आवर्स। बताइए, ठीक है, क्लियर? अगला सवाल, ए हैड ए सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स, आउट ऑफ द 60% ऑफ द चॉकलेट विथ ए, एक नया चेंज है जो है उसका नहीं, उसमें से 60% का। सुनिए, ए के पास इनिशियली 100 है, ठीक है, इनिशियली 100 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके 60% को लेते तो इसका 60% कितना होगा? 60 इसका विथ ए, ही गेव 80% ऑफ द चॉकलेट्स टू बी। अब इसमें से ये 80% जो है, 80% का माने क्या हुआ? 80% का मतलब हुआ 60 का 80% 48, ये बी को देता है। ओके, एंड द रिमेनिंग टू सी, और रिमेनिंग क्या बचा, इसमें रिमेनिंग क्या बचा? रिमेनिंग 20%, ये 12 वो सी को देता है। यानी इसको 100 माने तो 48% और 12% सीधा सीधा बोल सकते थे कि अपने पास जो था चॉकलेट्स उसका 48% बी को देते, 12% सी को देते, इसी बात को टेढ़ा करके बोला गया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट विथ ए, लेफ्ट विथ ए का मतलब 40%, दैट मीन्स कि 40 एंड नंबर ऑफ चॉकलेट विथ बी यानी कि 48 और 40 का जो डिफरेंस है, दैट मीन्स कि 8 विच इज इक्विवेलेंट टू 144। तो सीधा पहले बोलते हैं ना, उसके बाद निकालेंगे
इनटू 16 टाइम्स क्या पूछा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ए हैड यानी 100 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट ये पूछा है 1600 चॉकलेट्स थे एक सुंदर क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए A person invested rupees 20,000 in compound interest at 10% per annum for 2 years. So, take it, 21% milega. If he invested, the amount received as interest, interest, at the same rate of compound interest for the same period, then how much will it amount to? Only interest ke baare mein kaha ja raha hai. Suniye. Batata. Dekhi, aisa hai aur aisa hai. Do bhaag mein baat hai. सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो है रुपीज़ 20,000 इसके बारे में कहा जा रहा कि 10% के रेट से 10% आप जानते हैं 10% मीन्स 2,000 रुपीज़ 2,000 और यहाँ पर 10% माने रुपीज़ 200 यानी यहाँ जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया रुपीज़ 4,200 इस कंपाउंड इंटरेस्ट को इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने प्रिंसिपल हो जाता है अब रुपीज 4,200 इसका इन्वेस्टमेंट करेंगे ओनली यानी कि 10% के रेट से वही टाइम है 2 ईयर्स तो गौर कीजिए 10% 420 and 42 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 840 और 42, 882 पर वो अमाउंट पूछ रहा है अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट रुपीज 5,000 82 बताइए ठीक बस पूछने का ढंग है अलग तरीके से और क्वेश्चन नंबर 14 नंबर ठीक है A vessel contains 80 liters of a mixture of milk and water, in which water is 20%. तो पहले ही देख लेते ना टोटल देखिए कुछ भी आगे करने के पहले टोटल और उसमें मिल्क और इसमें वाटर ये 80 लीटर्स है और इसमें 20% है यानी 16 लीटर वाटर है और 64 लीटर मिल्क है इनिशियली तो अलग ही कर देते हैं इफ 25% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट 25% अगर हम इसमें से लेंगे इसका मतलब क्या हुआ 20 लीटर निकला तो जिसके पास जो है निकल जाएगा 25% 16 लीटर निकला और ये 4 लीटर निकला ओके एन एक्स लीटर वाटर इज एडेड ओके और फिर प्लस एक्स लीटर डालते हैं क्या डालते हैं वाटर तो क्वांटिटी भी एक्स लीटर से बढ़ेगी देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है जल्दी बताइए ये क्या बचता है 48 और ये क्या बचता है 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू रेशियो इज 12/5 जल्दी बताइए यानी कि 12 प्लस x इक्वल टू 8 आपसे x का ही वैल्यू पूछा था ठीक है शानदार क्वेश्चन थे कि नहीं 10 मैंने पहले सॉल्व किया था और 4 अभी ऐसे एरिथमेटिक क्वेश्चंस को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए और कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन यानी सफिशिएंट प्रैक्टिस मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जुड़े रहिए रोज वीडियो देखिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं ऑल द बेस्ट